तो आज हम आए हैं राजनगर एक्सटेंशन में, और राजनगर एक्सटेंशन में यहाँ पे दशहरा मेला लगा हुआ है। ये आपको पड़ेगा यूनिनव ईडन के पास, अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो वीवीआईपी मॉल जो है यहाँ पे उससे पहले ही पड़ता है। तो अभी हम आ गए हैं इसकी एंट्री पे, यहाँ से इसकी एंट्री है। ये छोटा सा ही मेला लगता है, यहाँ पे ग्राउंड है, और घुसते ही आपको यहाँ सॉफ्टी की एक दुकान मिलेगी। मतलब यहाँ सॉफ्टी और वो बुढ़िया के बाल, हम तो बुढ़िया के बाल बोलते थे बचपन में। और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एम्बुलेंस है, मेडिकल की भी पूरी फैसिलिटीज़ है। मतलब कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ पे नवीन हॉस्पिटल के द्वारा भी एक कैनोपी लगा रखी है, और यहाँ से ही सारे झूले शुरू हो जाते हैं। इधर कुछ बच्चों के बैलून्स मिल रहे हैं कुछ, तो पहला कोई झूला ये है, मैरी गो राउंड बोलते थे हम तो इसे। तो ये कुछ बैलून मिल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आगे बच्चों का एक बना रखा है इन्होंने स्विमिंग पूल सा, उसमें ये झूले लगा रखे हैं, मतलब ये स्लाइड्स हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को यहाँ पे। 5 मिनट के लिए बच्चे इसमें कर सकते हैं, मतलब 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़, मैंने इसका रेट नहीं पूछा। बच्चे गीले हो जाएंगे इसमें ना, लेकिन सही है, है? ये नहीं चला पा। कितने का टिकट है भैया? कितने का टिकट है? 100 का। बच्चा 2 साल वाला फ्री? मिट्टी का सामान। तो इधर रामलीला हो रही है, मतलब ये राजनगर एक्सटेंशन का जो रामलीला ट्रस्ट है, ये पूरा स्टेज है इनका पीछे बैक साइड। यहाँ पे कुछ क्रोकरी की भी स्टॉल्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कप मिल रहे हैं,
ग्लासेस हैं इनके पास, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, मतलब आप ले सकते हैं यहाँ पे आके। ट्रेज हैं यहाँ पे और कंटेनर्स हैं कुछ, यहाँ पे क्रॉकरी का सामान भी मिल रहा है। और आप देखेंगे आगे सनग्लासेस का भी स्टॉल दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ से आप सनग्लासेस भी देख सकते हैं, कैप्स ले सकते हैं यहाँ से। बच्चों के खिलौने की तो काफ़ी वैरायटी है, लेकिन वैसी वैरायटी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो, लेकिन मेले वाली वैरायटी है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर।